गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क का छठा लेक्चर बना रहा हूँ और पांचवें लेक्चर में आपने नोमेरिकल्स देखा रो एल बाई ए पर। ढेर सारे नोमेरिकल्स हम लोगों ने किए, कुछ नोमेरिकल्स मैंने आपको बनाने भी दिए थे। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर किन किन बातों पर निर्भर कर रेसिस्टेंस जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पर भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस आज हम लोग का टॉपिक है। और इससे, इस लेक्चर से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं और ढेर सारे कन्फ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपको बढ़िया से सुनेंगे इस लेक्चर को तो आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो सर क्या है, थोड़ा समझाइए डिटेल। तो हम लोग टॉपिक का नाम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव यानी तापमान का प्रभाव किस में, प्रतिरोध में, प्रतिरोध में तापमान का प्रभाव कैसे होगा, ठीक है। यानी प्रतिरोध, तापमान देने से प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, ठीक है। ये बात तब पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा कि सर वो प्रतिरोध किस चीज़ का लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब, कहने का मतलब, जैसे मेरे हाथ में एक कलम है, ठीक, और आप बोलेंगे सर ये तो इंसुलेटर बॉडी है, इंसुलेटिंग बॉडी, इंसुलेटर है, तो बताइए सर इसके अंदर प्रतिरोध तो होगा। बोले हाँ एकदम होगा। बताइए इसमें तापमान देंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। फिर अगर इतने ही हाथ में तांबा होता, यही तांबा होता तो कंडक्टर होता, तो कंडक्टर में बताइए सर तापमान देंगे तब क्या होगा, ठीक है। यदि मेरे हाथ में पीतल होता, पीतल, ठीक है, या कांसा, ठीक है, तो बताइए सर उसमें तापमान देंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। फिर मेरे हाथ में सेमीकंडक्टर होता, ऐसे बहुत सारे तत्व आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें ये बताना है कि उस तत्व का प्रतिरोध तापमान देने से बढ़ता है या घटता है, यानी उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, या बढ़ता ही नहीं है, घटता ही नहीं है, ऐसा भी होता होगा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है, आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसका नाम है प्योर मेटल, जिसे हम लोग कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्योर मेटल का मतलब कंडक्टर, यानी यहाँ पर आप कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी तापमान का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव किस पर, रेसिस्टेंस पर, ठीक है, और किसके, मेटल के, यानी कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना है। यानी तापमान देने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आएगा। वी नो दैट रेसिस्टेंस आर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कोई भी रेसिस्टेंस जो है तापमान पर निर्भर करने वाला एक क्वांटिटी माना जाता है, करेक्ट, ओके। इसका मतलब है डिपेंडेंट है तो कोई चीज़ बढ़ेगा, तो डिपेंडेंट का मतलब बढ़ना घटना दोनों होता है। डिपेंडेंट, हम निर्भर हैं किसी पर, जैसे मान लिया, डिपेंडेंट का हिंदी समझाता हूँ, एक स्टूडेंट डिपेंडेंट नहीं समझ रहा था, तो डिपेंडेंट का मतलब समझता हूँ मैं अपने फादर पर डिपेंडेंट हूँ, यानी फादर का कमाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो मेरा भी पॉकेट मनी बढ़ेगा, ठीक। यदि फादर का इनकम घट रहा है, घट गया, अभी नहीं मिला, तो मेरा भी पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, तो मैं डिपेंडेंट हो गया ना, ठीक है, यानी मेरा डिपेंडेंट पापा के इनकम पर है, मेरा जो पॉकेट मनी जो है, मेरा पॉकेट मनी डिपेंड्स कर रहा है पापा के इनकम पर। तो ये एक चीज़ है, यही बात यहाँ पर समझना है आपको। तो मैंने लिखा है प्योर मेटल, जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं, का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, रटिए यहाँ पर, रटिए नहीं, समझिए, क्या मैंने बोला, इंक्रीज होता है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज तो खाली बोल देने से नहीं होगा, इंक्रीज बहुत सारा तरीके से हो सकता है, लीनियरली इंक्रीज होता है, लीनियरली समझाऊंगा क्या होता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज करूं, ठीक है, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो रेसिस्टेंस घटता है, ये कंडक्टर के लिए होता है, रट लीजिए। लेकिन इसमें एक टर्म आ गया लीनियरली, बहुत सारे स्टूडेंट को लीनियरली समझ में नहीं आता है, लीनियर वर्ड से बना है लीनियरली, लीनियर का हिंदी होता है एक रेखा में, रेखा, ठीक है, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ चुके हैं आप,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका अगर इक्वेशन आप निकालें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। एक सीधी रेखा को आप स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, यही है लीनियरली। इसका मतलब एक सीधी रेखा में बढ़ने का काम करता है। तो इससे तीन क्वेश्चंस निकला, कैसे बढ़ता है इसका टेम्परेचर, रेसिस्टेंस कैसे बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये पहला क्वेश्चन, लीनियरली बढ़ता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से दो क्वेश्चंस निकले, ठीक है। आइए, सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ दूर तक बढ़ता है जी, कितना से कितना, 100 डिग्री, 0 से लेकर 100 डिग्री तक ही बढ़ता है। इसके बाद ये लीनियरली नहीं बढ़ता है, थोड़ा अपना बिहेवियर बदलने लगता है, ठीक है। जैसे कि आप काम करते हैं, इसको ऐसे समझिए ना कि आपका जो दिमाग है ठीक ठाक टेम्परेचर पर ठीक ठाक काम करता है, क्या जब ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है तो आप बहुत अच्छे से दूसरे से बात भी करते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास गर्म दम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और उस समय कोई काम करने बोले तो मन एकदम ख़राब लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, ठीक है, आप बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो यही बात इसके साथ भी ऐसे ही है, 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है 0 से लेकर 100 इस इंक्रीज करता है टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, इसी को स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या कॉन्स्टेंट होता है, इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के बढ़ने की दर कॉन्स्टेंट होती है। ये देखिए, ये हो गया 0 से लेकर के, मान लिया ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 हो गया 0 से लेके, ये 0 और ये टेम्परेचर इधर 100 तक, वो एकदम सीधी रेखा में बढ़ता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं, सीधी रेखा में बढ़ता है, करेक्ट। तो सीधी रेखा में बढ़ रहा है, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, एंड इसी को स्लोप बोला जाता है, स्लोप ढाल, ढलाऊ है जी, ठीक है, पढ़े हुए सब, ठीक है, साकिब सर मैथ्स वाले बढ़िया से पढ़ाए हैं स्लोप क्या होता है। रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये नहीं बदल रहा है, देखिए ना कहीं बदल रहा है जी, नहीं ना, अरे ये बोल रहे हैं कि ये नहीं बदल रहा है, का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू नहीं बदल रहा है, क्या चीज़ का वैल्यू नहीं बदल रहा है, स्लोप, ठीक है, स्लोप कॉन्स्टेंट है आपके पास, स्लोप यहाँ से यहाँ तक, कहीं भी स्लोप निकालिएगा यहाँ से यहाँ तक, स्लोप चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा सर, स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, स्लोप समझते हैं ढाल नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। अब आइए सर समझाइए, सर यहाँ से ग्राफ बनाए, यहाँ से ग्राफ क्यों नहीं बनाए, पहला एक लड़का क्वेश्चन पूछ दिया, सर यहाँ से ग्राफ आप क्यों नहीं बनाए। तो देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेटल का जो तापमान होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस कुछ होगा लेकिन तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रेसिस्टेंस मेटल का, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं प्योर मेटल, उसका अपना कोई रेसिस्टेंस, थोड़ा मोड़ा रेसिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को आर नॉट से इंडिकेट करते हैं, रेसिस्टेंस, फिर से बोल रहा हूँ, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेटल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रेसिस्टेंस का मेटल का कुछ रेसिस्टेंस होता है, वो आपको यहाँ तक शो किया जा रहा है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ाइएगा इधर, तो रेसिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका बढ़ रहा है, बढ़ने बताया जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कांस्टेंट होता है, इसके बाद ये अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, लेकिन हर एक मेटल के लिए थोड़ा अलग अलग होता है, फिलहाल कांस्टेंट ही आप लेके चलेंगे, इतना आगे का डीप लेवल की स्टडी की जरूरत नहीं है। अब आइए, मैंने आपको बोला रेसिस्टेंस कम कीजिए, देखिए 0 से कम, -1, -2, -3, -5, तो ये रेसिस्टेंस कम हो, मतलब टेम्परेचर के कम होने से रेसिस्टेंस भी कम हो रहा है, टेम्परेचर के कम होने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस घट रहा है सर, नीचे आ रहा है रेसिस्टेंस, आप इधर जा रहे हैं इसका मतलब ये भी टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, और यहाँ आने के बाद फिर कुछ दूर आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, और ये डॉटेड लाइन से मिलाया हुआ है -234 दिखाने के लिए सिर्फ, कि यहाँ तक जा करके ये जीरो हो जाता, यहाँ पर रेसिस्टेंस का मान जीरो होता, लेकिन उससे पहले ही ये कांस्टेंट शो करने लगता है, लेकिन हम लोग इमेजिनरी में शो किए कि -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह, ठीक है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, यानी कि प्योर कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतने ही में ये पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं होता है,
अभी मैंने सिर्फ पढ़ाया टॉपिक, पढ़ाओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, ठीक है, ओके, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें जितने आएंगे फिर इस पर पूरा न्यूमेरिकल बनता है, मैं इस पर न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला, ठीक है, उसे टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो आप घबराइए नहीं, अगला लेक्चर में वही टॉपिक आएगा, इस पर पूरा थ्योरी और पूरा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। इतना दूर के लेक्चर के बाद एक लड़का बहुत अच्छे से लेक्चर सुन रहा था, वो बोलता है सर ये बताइए, ठीक है, आपने एक लाइन सही बोला सर, तापमान बढ़ाने से, ठीक है, तापमान बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है, आप ऐसा बोल रहे हैं किसी भी कंडक्टर में तापमान बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है, तो सही बात है, क्यों बढ़ता है, क्वेश्चन आ गया, व्हाई डज आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन ये पूछ दिया उसने, क्यों सर, क्या ऐसा रेसिस्ट मेटल के अंदर ऐसा क्या चीज है, मेटल के अंदर ऐसा क्या होता है कि तापमान के बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, कुछ तो होता होगा उसके अंदर, तभी तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर देते हैं, चलते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर वन बाय वन लिखते हैं, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन का जवाब है व्हाई डज आर, क्वेश्चन है सबसे पहले व्हाई डज आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है, क्यों बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटल में, मेटल पढ़ रहे हैं इसलिए मेटल मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इसके तीन मैंने स्टेप बताए हैं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से वन बाय वन। एट लो टेम्परेचर द आयन, यानी इसको चार्ज्ड पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा, आप बोलिए समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा कि चार्ज्ड पार्टिकल और आयन इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाई देते हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियोस में आप लोग शो करेंगे, अभी मैं वीडियो शो करूंगा। एट लो टेम्परेचर द आयन यानी चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड द कंडक्टर आर ऑलमोस्ट स्टेशनरी, एकदम स्टेशनरी होते हैं, उसके अंदर जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं घूमते नहीं हैं, एकदम स्थिर ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दीज आयन एक्वायर एनर्जी, जो आयन्स होता है तापमान देने पर वो आयन्स जो है एनर्जी को लेता है, एक्वायर का मतलब होता है एनर्जी लेना, एक्वायर ग्रहण करना, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग का मतलब हिलना डुलना, ऐसे ऐसे हिलना डुलना शुरू कर देता है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑसिलेट होना, ठीक है, घड़ी देखे होंगे ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहता है, स्टार्ट ऑसिलेटिंग दियर मीन पोजिशन, अपना पोजिशन नहीं छोड़ता है, ठीक है, वो अपने पोजिशन पे ऐसे ऐसे हिलने डुलने लगता है, ठीक है। अब बताइए मैं एक आयन्स हूँ और मेरे अगल बगल इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर हिलूँगा डुलूँगा ऐसे इधर उधर तो इलेक्ट्रॉन से टकराना शुरू करूँगा, ठीक है, वही कहता है दीज वाइब्रेटिंग आयन्स काउज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैं आयन हूँ और मेरे अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो मैं अगर अपनी जगह से इधर चला इधर जाऊंगा तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आसपास होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे और कॉलिजन बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो समटाइम्स दे कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी वे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करते हैं, इसलिए रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको इतना दूर समझ तो गए किताब कॉपी से, लेकिन अभी हमारे पास बेहतर सुविधा है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, अभी मेरे पास एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अब देखिए वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब जो वीडियो आपके पास चल रहा है उसमें मैंने एक कंडक्टर बनाया है, दिख रहा होगा एक लंबा सा ग्रीन कलर का कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में ढेर सारे गोल गोल वाइट कलर के अंडे के आकार का है, वो एटम्स है या आयन्स है, उसमें वाइट वाइट बॉल्स जैसा दिख रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, कि जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, यानी कि मैं इसमें करंट फ्लो करता हूँ, यानी मैं बैटरी जोड़ता हूँ, बैटरी पहले जोड़ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में चलता है, उस समय एटम्स या आयन्स वाइब्रेट नहीं होता है, मैं बैटरी दे रहा हूँ और एटम्स तेजी से अपने एक डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मूव करता है, लेकिन लेकिन हम लोग यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, जब हम लोग टेम्परेचर इसमें देना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो अंडे जैसा वाइट वाइट दिख रहा है वो अपने पोजिशन से हिलना डुलना शुरू कर देता है,
ठीक है, और जो छोटा छोटा बॉल दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उस एटम से टकराना शुरू कर देता है, और टकराने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होता है, यानी रुकावट उत्पन्न होता है। जितना ज़्यादा इधर उधर टकराएगा, यानी एटम्स टकराएगा, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर रेसिस्टेंस जनरेट होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है किसी मेटल में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, मैंने एक छोटे से वीडियो से कोशिश की आपको समझाने का, कितना समझ में आया आई डोंट नो। इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, उस जो मैंने अभी बताया वो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, ठीक है, और ईजी वे में आपको समझ में आएगा भी। चलिए, तो अभी मैं एक छोटा लेक्चर बना रहा हूँ ये नेटवर्क का, मैं सिर्फ इसमें कंडक्टर के बारे में बताया कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं तीन बातें और बताऊंगा, एलॉय में रेसिस्टेंस बढ़ता है या घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों पर बात करेंगे, और ये जो मेरे पास है इसका पूरा न्यूमेरिकल यानी कोफिशियंट, ठीक है, ऑफ रेसिस्टेंस पे बात करेंगे, और उससे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे जो आने वाले लेक्चर में होगा। छोटा छोटा लेक्चर है, एकदम धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूँ और आराम से ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।